आईएनसी और जेकेएनसी का एजेंडा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा से खिलवाड़। आईएनसी और जेकेएनसी के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा का कोई ठोस इरादा नहीं है। जेकेएनसी का घोषणा पत्र अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों से संबंधों की वकालत करता है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे भी क्षेत्र की सुरक्षा को अस्थिर करने का प्लान बना रहे हैं। एलजी सरकार ने 2022 में वीडीजी को फिर से शुरू किया है ताकि जम्मू कश्मीर के हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों को जरूरी समर्थन मिल सके। इन गार्ड्स को अब सेमी ऑटोमेटिक हथियार दिए जा रहे हैं और डोडा क्षेत्र में महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जो समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। बीजेपी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी विडिजेस को उनका सम्मानजनक मानदेय मिले, उन्हें ऑटोमेटिक हथियारों से लैस किया जाए और उनकी सेवा शर्तों को मजबूत किया जाए ताकि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो सके। सुरक्षा और सम्मान के लिए बीजेपी को चुने, जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य का है ये संकल्प। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए।